जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व की, ज़्यादातर जगह पे हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड कर लिए आराम से। लेकिन आपको एक छोटा सा टॉपिक मैं बताता हूँ, विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि ये 2 और 3/4 मेंबर वाली स्लाइड हर एक को विजिबल है। जी सर, यस सर, ठीक है। विजिबल। तो इन 2 और 3/4 मेंबर के हिसाब से जो है वो, कभी कभी अगर आप एक बात अजम्पशंस पे जाएं तो करना मेरे को आपके लिए लैपटॉप है, सेल्फ, काइंडली अपने माइक मैं म्यूट कर दें। वासी स्टॉप कर रहा हूँ, मैंने कर ली थी। अच्छा क्या करा कर रहे थे, किया 2 दिन बताएं, 2 दिन आज ही कर लेते हैं डिस्कशन, 2 दिन में आगे फिर हम डिसाइड। फाजी को वासी है, फाजी सजाना है, सजाद वासी सजाना नहीं तो ऑडिट का वो, हाँ। नहीं, एक तो आप ही रहना है फाजी आज, नहीं वो तो जी नुमैर फरीद, आपकी वजह से जो है वो सारी क्लास को मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। सो 2 एंड 3/4 मेंबर्स क्या हैं कि आप इन अजम्पशंस की हेल्प लेके अपने सपोर्ट रिएक्शंस को ज़्यादा सिंपली जो है वो ज़्यादा आराम से फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको इन 2 और 3/4 मेंबर्स का इस्तेमाल आता हो। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं द सोल्यूशंस टू सम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिकग्नाइजिंग मेंबर्स दैट आर सब्जेक्टेड टू ओनली 2 और 3 फोर्सेज। सबसे पहले अगर हम 2 फोर्स मेंबर की बात करें, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कोई एक स्टूडेंट? सर, यू आर सर, ऑडिबल। ओके, यस सो सर, 2 फोर्स मेंबर क्या होता है? अ 2 फोर्स मेंबर इज अ मेंबर विच ऑन विच ओनली 2 फोर्सेज आर बीइंग अप्लाइड एट 2 पॉइंट्स। सो अ 2 फोर्स मेंबर हैज फोर्सेज अप्लाइड एट ओनली 2 पॉइंट्स ऑन दैट मेंबर। फॉर एग्जाम्पल, द मेंबर ऑन द टॉप ऑफ दिस फिगर, जिसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर 2 अदद फोर्सेज अप्लाई हो रही है, इट इज अ 2 फोर्स मेंबर, चूंकि इस पे 2 पॉइंट्स की खाली फोर्स अप्लाई की जा रही है। सो 2 फोर्स मेंबर की डेफिनेशन क्या है? इट इज सिंपली अ मेंबर ऑन विच फोर्सेज आर बीइंग अप्लाइड एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, जस्ट लाइक दिस मेंबर विच इज शोन ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन विच एफ ए एंड एफ बी आर बीइंग अप्लाइड एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। नाउ इफ दिस 2 फोर्स मेंबर इज इन इक्विलिब्रियम, अगर इस 2 फोर्स मेंबर पे मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करूं, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है कि समेशन एफ शुड बी इक्वल टू 0। यानी ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो इट मींस के ये दोनों फोर्सेस एफ ए और एफ बी जो है दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी एंड दैट शुड बी इक्वल टू एफ, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर, इजंट इट? ऐसा ही है। जी सर, सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बोथ दीज फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ओनली देन दिस समेशन एफ इक्वल टू 0 इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। ओके, व्हाट अबाउट द सेकेंड मोमेंट, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच सेज दैट द सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग एट दैट मेंबर शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। वो किस सूरत में पॉसिबल हो सकता है? अगर तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगी तो दे आर गोइंग टू मेक अ कपल, इजंट इट? जी सर, सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द मोमेंट इक्वेशन, इट इज अ मस्ट दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज 2 फोर्सेज शुड बी सेम, दैट इज इट शुड बी अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन रिक्वायर्स दैट एफ ए एंड एफ बी शेयर द सेम लाइन ऑफ एक्शन, विच कैन ओनली बी पॉसिबल इफ दे आर डायरेक्टेड अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। इन दैट केस आइदर यू टेक समेशन ए एम ए इक्वल टू 0 और समेशन एम बी इक्वल टू 0, दोनों सूरतों में मोमेंट बैलेंस आपकी जो है वो हो रही होगी। सो फॉर अ 2 फोर्स मेंबर टू बी इन इक्विलिब्रियम, द 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द मेंबर मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, act in opposite direction and have the same line of action directing along the line joining those 2 points. I hope ke 2 force member aur uski equilibrium har ek ko samajh aa gayi hogi. जी सर, वो तो ठीक है सर, ये मेंबर मेंबर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, मेंबर का क्या मतलब है सर, डेफिनेशन जस्ट मतलब? जस्ट इट इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है, ठीक है, एनी रिजिड बॉडी ऑन विच फोर्सेज आर अप्लाइड एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स इज बेसिकली टर्म्ड एज अ 2 फोर्स मेंबर या 2 फोर्स रिजिड बॉडी। ओके, सो अगर हम कहते हैं कि वो 2 फोर्स मेंबर या 2 फोर्स रिजिड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए मस्ट है कि वो दोनों फोर्सेज जो है दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट टू ईच अदर एंड द लाइन ऑफ एक्शन शुड बी सेम दैट शुड बी पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट जिसके ऊपर वो फोर्सेज अप्लाई की जा रही हैं।
ओके सिमिलरली अगर हम थ्री फोर्स मेंबर की बात करें तो एनी रिजिड बॉडी ऑन विच फोर्सेज आर बीइंग अप्लाइड एट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स ओनली दैट पर्टिकुलर रिजिड बॉडी इज टर्म्ड एज अ थ्री फोर्स मेंबर. जिस तरह टू फोर्स में दो पॉइंट्स पे अप्लाई होती थी, थ्री फोर्स में तीन पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई की जाती हैं. नाउ अगर हम इस रिजिड बॉडी जो कि थ्री फोर्स मेंबर है या थ्री फोर्स रिजिड बॉडी है, इसकी इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसके ऊपर भी कंडीशन वही है कि समेशन एफ शुड बी इक्वल टू जीरो, दैट इज द सम ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेज, वेक्टोरिकल सम ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेज शुड बी इक्वल टू जीरो. इन अदर वर्ड देयर शुडंट बी एनी अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी. अब जब मैं मोमेंट इक्वेशन की बात करता हूँ तो समेशन एम शुड ओनली बी इक्वल टू जीरो इफ ऑल दीज थ्री फोर्सेज आर बेसिकली कंकरेंट, यानी ये तीनों फोर्सेज जो है दे शुड बी पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास मोमेंट बैलेंस नहीं होगी फॉर अ थ्री फोर्स रिजिड बॉडी. सो फॉर अ थ्री फोर्स रिजिड बॉडी इट इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड दैट ऑल द थ्री फोर्सेज आर कंकरेंट एट दैट पॉइंट सो दैट यू कैन अप्लाई समेशन एम ओ इक्वल टू जीरो. आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो टू और थ्री फोर्थ मेंबर की इन डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि अगली जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व करनी है उसमें हम थोड़ा सा इन डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे. इन डेफिनेशन को यूज करके होता क्या है कि थोड़ी सी हमारी एनालिसिस जो है वो सिंपल हो जाती है और हम ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो सपोर्ट रिएक्शन डिटर्मिन कर सकते हैं अगर हम ये टू फोर्थ और थ्री फोर्थ मेंबर्स की डेफिनेशन को ध्यान में रखें. फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल 5-13 देखें, आपको एक अदद लिवर दिखाया गया है जिसपे पॉइंट सी के ऊपर आप एक अदद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 400 न्यूटन की. सो दिस लिवर ए बी सी इज पिन सपोर्टेड एट पॉइंट ए एंड कनेक्टेड टू द शॉर्ट लिंक बी डी. इफ द वेट ऑफ द मेंबर्स आर नेग्लिजिबल वी नीड टू डिटरमिन द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द पिन बाय दिस लिवर एट ए, यानी हम ए के ऊपर कितना सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है वो हमने डिटर्मिन करना है. सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं मेंबर बीडी को कंसीडर करूं, सो मेंबर बीडी जो है वो टू फोर्स मेंबर है थ्री फोर्स मेंबर है? टू फोर्स मेंबर है. इसके ऊपर एक अदद फोर्स पॉइंट बी पे अप्लाई कर रहे हैं, आप लिवर को जब खींचेंगे राइट की तरफ तो एक फोर्स पॉइंट डी पे भी अप्लाई होगी. सो इट इज बेसिकली अ टू फोर्स मेंबर जिसमें दो पॉइंट्स है, वन इज पॉइंट बी द अदर वन इज पॉइंट डी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है. हमारी डेफिनेशन क्या कहती है टू फोर्स मेंबर की, ये जो फोर्सेस हैं पॉइंट बी और डी पे क्या होनी चाहिए ये फोर्सेस? सर ये सेम पॉइंट से मतलब एक ही लाइन, यानी एक तो सबसे पहली बात उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है दे शुड बी पासिंग through the point, through the line joining by points B and D, ऐसा ही है. Magnitude wise क्या इनका कोई relation है दोनों forces का? Magnitude same हो, direction opposite हो. Magnitude same हो और direction opposite हो, it means कि मैं अगर इसको और इसको F कह लेता हूँ तभी मेरी force और moment equation satisfy होगी, isn't it? जी सर. Yes sir. So whenever we are considering a two force member, then both the forces should be equal in magnitude opposite to each other and the line of action should be same, that is the line joining points B and point D in this case. So ab kya aap is two force member ko jab equilibrium mein kahein to what should be the magnitude, yani isko main F ke taur pe consider kar sakta hu, angle kya hoga is force ka? No idea. थोड़ा सा फिगर ज्योमेट्रिक और से देखें, आइडिया हो जाएगा. लाइन जॉइनिंग बी एंड डी, ये लाइन कितने एंगल पे है? सिर्फ 45 पे. अगर ये 0.2 है, ये 0.2 है, so this angle should be 45 degrees as well. It means कि मेरे पास ये F जो है, it would be acting at an angle of 45 degrees, isn't it? जी सर. यहाँ तक हर एक को समझ आ गया है या किसी का कोई डाउट है इस फिगर को? लेकिन सर हर केस में तो इस तरह नहीं होगा ना फिर? हर केस में जो भी टू फोर्स मेंबर है
उस पे ही अप्लाई होगी कंडीशन. 45 जाहिर है वो वैलिड नहीं होगा, वो तो डिपेंड करेगा किस डायमेंशन पे आपके ये लिंक की है, लेकिन ये कंडीशन वैलिड होंगी कि फोर्सेज जो है वो इक्वल होंगी, ऑपोजिट होंगी और लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा. सर हम कॉस थीटा साइन थीटा के फार्मूले से मेयर कर लेंगे. ठीक है सर. चलिए हाँ, यानी अगर आपको कुछ ना कुछ दिया होगा तो आप थीटा मेयर कर सकते हैं. अगर आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस गिवन होगा तो आराम से आप थीटा जो है वो मेयर कर सकते हैं. ठीक है. यस सर. ठीक है. चलें सो अब मैं अगर लिवर सी बी ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, इसके ऊपर एक अदद ये मेरे पास अप्लाइड फोर्स है जो कि 400 न्यूटन की है. ठीक है. और कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी जब मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा? सर ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर फोर्स होगा. पॉइंट ए के ऊपर पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट पे कौन सी फोर्स आती है? सर एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे दो फोर्सेस आती हैं. ठीक है, दो फोर्सेस आती हैं एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, ऐसा ही है? यस सर. चलें मुझे एक और बात बताएं, दिस लिवर ए बी सी जो है, इज इट अ टू फोर्स मेंबर और अ थ्री फोर्स मेंबर? थ्री फोर्स मेंबर सर. थ्री फोर्स नहीं होगा. कैसे आपने जज किया थ्री फोर्स मेंबर है? बी के ऊपर भी फोर्स सर. बी के ऊपर भी तो फोर्स लग गई. बिल्कुल ठीक है. यानी इस पे तीन पॉइंट पे फोर्स लग रही है. एक पॉइंट सी पे 400 न्यूटन की फोर्स है, पॉइंट बी के ऊपर कौन सी फोर्स है? ये एफ जो आपने निकाली है इससे पहले लेफ्ट साइड की फिगर पे, सर एफ कॉस 45 नहीं, यानी एफ लग रही है वो कॉस साइन तो छोड़ दे, बेसिकली एफ फोर्स अप्लाई हो रही है. यस सर. ठीक है. और पॉइंट ए के ऊपर पिन जॉइंट होने की वजह से आपके पास एक अदद फोर्स आएगी ए, या एफ ए कह लें, जो कि किसका कॉम्बिनेशन होगा, वेक्टर सम होगा वो एक्स और ए वाई, एक्स और ए वाई का. सो लिवर ए बी सी इज बेसिकली अ थ्री फोर्स मेंबर जिसके ऊपर एक अदद फोर्स अप्लाई हो रही है, विच इज दिस फोर्स एफ ए. एक अदद फोर्स अप्लाई हो रही है, विच इज दिस फोर्स जो कि हमने एफ का नाम दिया है पॉइंट बी के ऊपर, और एक अदद 400 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, ऐसा ही है? जी सर. कोई क्वेश्चन आपका ये एफ के डायरेक्शन के हवाले से है? सर ये आपने क्यों कर दिया इस तरह, उल्टा क्यों कर दिया सर आपने? यस सर. सर ये पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए. पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, किसी को अगर समझ आया मैंने डायरेक्शन इसका उल्टा क्यों कर दिया? सर ये टुवर्ड्स द पिन आपने किया. देखें जब मैंने इस टू फोर्स मेंबर को कंसीडर किया था तो मैंने इसको किस फोर्स के तौर पे ड्रॉ किया था? सर दोनों उस तरफ हैं तो एक फोर्स इस तरफ होनी होगी ऑपोजिट साइड पे के इक्विलिब्रियम मेंटेन. नहीं देखें आपने जब इसको बीडी को कंसीडर किया था, यू हैव ड्रॉन दिस फोर्स एफ अवे फ्रॉम द लिंक, ऐसा ही है? तो ये कौन सी फोर्स होती है? ये हमें डी पॉइंट से मिलनी थी इस वजह से. टेंसाइल फोर्स है ना जो कि अवे फ्रॉम द लिंक ड्रॉ की जाती है. जब आप इसी फोर्स को कंसिडर करेंगे फॉर दिस लिवर ए बी सी तो टेंसाइल फोर्स ही रहेगी, वो दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं आ जाएगी. तो आपने उसके डायरेक्शन को कंसिस्टेंट रखना है और अवे फ्रॉम दैट लिवर ए बी सी जो है वो ड्रॉ करना है. समझ गए ये बात? नहीं सर एक बार रिपीट कीजिएगा ये बात. चलिए मैंने बेसिकली कहा यह कि जब मैं मेंबर बी डी को कंसिडर कर रहा था तो मैंने इसको अज्यूम किया कि इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम दैट मेंबर बी डी, सो इट इज बेसिकली अ टेंसाइल फोर्स. अब जब मैं मेंबर ए बी सी को कंसिडर कर रहा हूं तो पॉइंट बी इज अ कॉमन पॉइंट, तो ये रहेगी तो टेंसाइल फोर्स ही ना, तो टेंसाइल फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम दैट बॉडी जो है वो ड्रॉ की जाती है. इसीलिए मैंने जब ए बी सी की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की तो इसको अवे फ्रॉम पॉइंट बी जो है वो ड्रॉ कर दी है. समझ गए? अगर इन केस के नहीं भी समझे, ये अननोन फोर्स है सो अननोन फोर्स का डायरेक्शन मैं किसी भी एक डायरेक्शन में अज्यूम कर सकता हूं, इजंट इट? जी सर. जब मैं सॉल्व करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका डायरेक्शन मुझे सही मिल जाएगा. ठीक है सर. टेंसाइल फोर्स ये लिंक्स में भी हो सकती है, मेटल वाली चीजों में भी हम कंसीडर करते हैं कि इनमें भी. देखिए हमने एक फोर्स को अवे ड्रॉ कर लिया तो हम उसको अवे ही अज्यूम करेंगे. अगर हम सॉल्व करते हैं उसका साइन नेगेटिव आ जाता है तो हम अपनी अजम्पशन को रिवर्स कर देंगे.
अच्छा अब मुझे एक और बात बताएं जरा सोच के, इफ दिस लिवर ए बी सी इज अ थ्री फोर्स मेंबर, देन दीज थ्री फोर्सेस एफ ए एफ एंड 400 न्यूटन, क्या कंडीशन है थ्री फोर्स मेंबर की इक्विलिब्रियम की? सर ये एक ही पॉइंट पास करेंगे, दे शुड बी कंकरेंट, ऐसे ही है? तो कंकरेंट के लिए क्या होगा कि आप इसकी लाइन एक्सटेंड करें, इसकी लाइन एक्सटेंड करें, इसकी लाइन एक्सटेंड करें, दे ऑल थ्री आर गोइंग टू मीट एट पॉइंट ओ, इजंट इट? जी सर। अच्छा अब मैं ये कर क्यों रहा हूं, ये एंगल तो मुझे पता है 45 डिग्रीज है जो फोर्स एफ का है, डू आई नो दिस एंगल थीटा? नो सर। कैन आई डिटरमिन दिस एंगल थीटा? पता नहीं सर, सोचें कुछ थोड़ा सा किया जा सकता है सर, आप कर ही लेंगे सर। चलिए 45 ही नहीं होगा? नहीं अगर दोनों 45 हुए फिर तो ये पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगी। इसमें आपका वाई कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट तो आपका 0.1 हो गया ना सर, 45 से बड़ा होगा ये मुझे पता है और नहीं। ओके अब कुछ चीजें समझ आई? यस सर वो वाई ठीक है। देखें आपके पास ये 45 है, इट मींस के ये 0.5 है अगर, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी 0.5 ही होगा, ऐसा ही है अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं। 45 का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई बराबर है, सो दिस 0.5 एंड 0.5 शुड बी इक्वल, हमें ये वाला दिया था तो हमने जज कर लिया कि एक्स भी जो है वो 0.5 होगा, ऐसा ही है? ओके नाउ यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल जो कि मैं ब्लू से शो कर रहा हूं, थीटा डिटरमिन कर सकते हैं आप यूजिंग दिस फॉर्मूला? यस सर। थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स दिस एंड दिस, ये डिस्टेंस दो आपको चाहिए वाई ओवर एक्स सर, 0.7 ओवर 0.4 क्योंकि वो 0.1 में से माइनस हो जाए और 0.5 में से 0.1 माइनस हो जाए, आपको थीटा मिल गया व्हिच इज 60.3। अब बड़ा आसान सवाल हो गया, आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करें, आपको एफ ए और एफ की टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करें, अगेन एफ ए और एफ की टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी, दो इक्वेशंस दो अननोन साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, आपको एफ ए और एफ दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने देख लें अगर टू फोर्स और थ्री फोर्स वाली डेफिनेशन को इस्तेमाल किया तो मोमेंट की जरूरत पड़ी नहीं आपको, आपने सिंपल एफ एक्स एफ वाई और इनकी मदद से दोनों अननोन एफ और एफ ए की वैल्यू जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं। सर अगर ये हॉरिजॉन्टल 0.5 मीटर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर से ये मैं किस तरह मिला? जी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा गौर से देखें, आपने जज क्या किया था कि ये एफ किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, 45 डिग्रीज पे बिकॉज ऑफ द 0.2 एंड 0.2, इट मींस के ये वाली जो लाइन है ये 45 डिग्रीज पे, ऐसे ही है? बिल्कुल। 45 डिग्रीज का मतलब क्या होता है कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा सर, ये मतलब है यार 45 डिग्रीज का मतलब क्या है, 45 डिग्रीज एंगल कब आता है जब ये डिस्टेंस और ठीक है सर, वो स्क्वायर रिज्यूम कर लिए ठीक है, सो ये 0.5 गिवन है आपको तो ऑटोमेटिकली ये भी आपको 0.5 मिल जाएगा, ठीक है। अब बाकी कहानी थीटा के लिए सिंपल है, आपने इस ट्राइंगल को कंसिडर किया, ये डिस्टेंस 0.5 प्लस 0.2 0.7 गिवन था, ये आपके पास 0.4 गिवन है, तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। हाउएवर चलें अगर इन केस के आपको ये टू फोर्स या थ्री फोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो देन यू कैन अप्लाई द कन्वेंशनल समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन एम ए इक्वल टू जीरो एज वेल ऑन दिस पर्टिकुलर केस, आपको अगेन उस सूरत में भी सोल्यूशन सेम मिलेगा। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे, टू फोर्स थ्री फोर्स नहीं जज करना चाह रहे, फिर आप क्या करेंगे, आप उसी तरह ए एक्स और ए वाई कंसिडर करें, ये एफ आ जाएगा, तीन अननोन्स हैं, आप समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई समेशन एम ए लगाएं, आपको इन तीनों अननोन्स की कन्वेंशनल तरीके से भी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर।
तो अगर आपको ये टू फोर्स और थ्री फोर्स की मेंबर्स की डेफिनेशन में कोई इशू है, आप चाहें तो इसको कन्वेंशनल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे. अगर आप कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते तो आपकी जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो क्या बन जाती, आप इस लिवर को कंसिडर करते, आपकी फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़ा सा चेंज ही आना था, आप फिर एफ ए और थीटा कंसिडर ना करते, आप इसको ए एक्स और ए वाई ले लेते, ठीक है, और कन्वेंशनल इक्वेशन के साथ सॉल्व करते, तब भी आपको ए एक्स और ए वाई की वैल्यू मिल जानी थी. वहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते थे बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, वो आपकी एग्जैक्टली यही आनी थी. और वहां से अगर कहा जाता तो थीटा भी निकाल सकते थे, वो आपको एग्जैक्टली यही 60.3 मिलना था. सर ये पॉइंट बी को हम किस तरह सर वो से अलग करते सर? देखिए पॉइंट बी को हम अलग नहीं कर रहे, पॉइंट बी पे तो हमने फोर्स निकाल ली है, एक फोर्स एफ अननोन है जो कि 45 डिग्रीज के ऊपर एक्ट कर रही है. सो आपके अननोन्स कितने हो जाते, एफ ए एक्स ए वाई, तीन अननोन हो जाता, इक्वेशन भी तीन थी, तीन अननोन तीन इक्वेशंस को आप सॉल्व करते तो आपका सपोर्ट रिएक्शन ये तीनों निकल आने थे, ठीक है. ओके सर. सर मतलब ये टू फोर्स थ्री फोर्स बेसिकली एक एक्स्ट्रा टूल है सॉल्व करने का, एक्स्ट्रा टूल है जो कि आपकी एनालिसिस को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता है. लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं पहले मेथड में ज्यादा कन्वीनियंट फील करता हूं तो आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और कन्वेंशनल इक्वेशंस के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं. एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क काइंडली कोशिश करें इसको कन्वेंशनल इक्वेशन के साथ सॉल्व करने की, ठीक है. तो सर आप किसी अपने असाइनमेंट या टेस्ट या एग्जाम में कभी हमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इसे टू फोर्स? मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, जो आपके लिए ज्यादा फिजिबल चीज होगी आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एग्जांपल 13? जस्ट सर सर एक सवाल था सर. जी पूछें. फोर्स एफ ए और नॉर्मल फोर्स एफ ए कैसे अज्यूम करेंगे ये दोनों पर्टिकुलर एंगल्स पे आ रही है? एफ ए और दूसरी कौन सी आप बात कर रहे हैं? नॉर्मल एफ बी पे जो एक्ट कर रही है. अच्छा देखें बी वाला तो एफ हमें नोन है, अभी जिस तरह हमने बात की कि बी वाली जो फोर्स है इट इज गोइंग टू एक्ट इन द डायरेक्शन जो कि लाइन बी से डी को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ टू फोर्स मेंबर. तो डेफिनेटली ये जो फोर्स है जो पॉइंट बी पे आएगी वो इसी लाइन के अलोंग आएगी, ओनली देन दिस मेंबर इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है. सो एफ की लाइन हमें पता है कि इट इज गोइंग टू बी एट 45 डिग्रीज. ए एक्स और ए वाई हमने कन्वेंशनल तरीके से लिख लिया, दिस इज ए एक्स दिस इज ए वाई, हमने ये कन्वेंशनल इक्वेशन अप्लाई की, हमें ए एक्स ए वाई और एफ तीनों वैल्यूज जो है वो मिल गई. सपोज आपने f को इस डायरेक्शन में लिया होता तो ऑटोमेटिकली जब आप ये अप्लाई करते f की वैल्यू आपको नेगेटिव मिल जाती जो कि इंडिकेट करती कि आपका डायरेक्शन जो है वो f का रिवर्स है, ठीक है. लेकिन हम आप तो कन्वेक्शन मेथड से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट मेथड से बात करें फ्री बॉडी है. देखिए मैं सेकंड स्टेप के लिए कह रहा हूं कि कन्वेंशनल इस्तेमाल कर लें. फर्स्ट स्टेप तो मुझे पता है कि टू फोर्स मेंबर है, इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो हर हाल में बी से डी की तरफ एक्ट करेगी. अदरवाइज देखें अगर मैं एफ को भी कहता हूं कि अननोन डायरेक्शन में है तो फिर तो मेरे पास चार अननोन हो जाएंगे. यानी अगर मैं थीटा नहीं फाइंड कर सकता, इसको मैं लेता हूं थीटा, तो ये तो फिर चार अननोन हो गए, ए एक्स ए वाई एफ थीटा. इक्वेशन तीन है, चार अननोन हम फाइंड ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है. सो जरूरी है कि स्टेप वन में हम टू फोर्स मेंबर तो कंसिडर करके एफ का डायरेक्शन निकाल लें, उसके बाद फिर हम कन्वेंशनल इक्वेशन जो है वो अप्लाई करें. इसका मतलब कि आपने एफ ए की अजम्पशन ली थी जब आप सेकंड स्टेप कर रहे थे. एफ ए की जो अजम्पशन थी बेसिकली एफ ए वाज द रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, जो अगर कन्वेंशनल में यूज कर रहा हूं तो ए एक्स ए वाई के तौर पे यूज कर लूंगा, अदरवाइज मैं चाहूं तो इसको एफ ए के तौर पे लेके थ्री फोर्थ मेंबर वाली डेफिनेशन कर सकता हूं. जी एनी अदर क्वेश्चन? चलें अब हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करते हैं, और मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराऊंगा, कुछ बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह ये 5-26 है और 5-26 आपके लिए मैं एज अ होमवर्क के तौर पे आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा. हम मूव कर जाते हैं आखिरी दो प्रॉब्लम पे, 5-38 और 5 जो है इससे आगे 39 है या 40 है. दो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो. आई होप कि 5-38 वाली स्लाइड विजिबल है तमाम लोगों को. यस सर.
पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, उसके बाद इसका सलूशन देखते हैं. स्प्रिंग सी डी रिमेन्स इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट ऑल टाइम्स ड्यू टू द रोलर एट डी. यानी आपके पास ये जो रिजिड लिंक ए बी सी है, ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है जो कि हर वक्त हॉरिजॉन्टल रहता है. इसका क्या मतलब है कि जब आप स्प्रिंग फोर्स को मॉडल करेंगे तो किस डायरेक्शन में करेंगे? हॉरिजॉन्टली करेंगे. इफ द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो. अब इसको समझने की कोशिश करें, जब थीटा जीरो होता है, ये आपको थीटा गिवन है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा अगर जीरो होता है तो ये ए बी सी किस ओरिएंटेशन पे होगा? इसकी ओरिएंटेशन ये होगी, isn't it? When theta is equal to zero. Yes, sir. So when theta is equal to zero, the spring is unstretched and the bracket, ये जो ABC bracket है, it achieves its equilibrium position when theta is equal to 30. यानी जब लाइन AC 30 degrees rotate कर जाए तो equilibrium position आ जाती है इस bracket की. We need to determine the stiffness of the spring and the horizontal and vertical components of the reaction at पिन ए. पिन ए जो है या ए पॉइंट जो है उसके ऊपर पिन कनेक्शन हुआ हुआ है. चलें, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको शो की गई है व्हेन दिस थीटा इज इक्वल टू 30. आपके पास दो अदर रिएक्शन फोर्सेस आ रही हैं पॉइंट ए पे, जिसको हमने ए एक्स और ए वाई कहा है. सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्रैकेट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. आपके पास ये ए एक्स आ गई, आपके पास ए वाई आ गई. आई होप कि ये ए एक्स ए वाई हर एक को क्लियर है. एक अदद अप्लाइड फोर्स आ गई है 300 न्यूटन की, और क्या आना चाहिए इस फ्री बॉडी डायग्राम पे? सर वेट तो नेगलेक्टेड है ना, तो एक टेंशन फोर्स होगी. स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आएगी. सो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट. यस, ठीक है. तो ये स्प्रिंग फोर्स हमने जो है वो ड्रॉ कर दी है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट. So is our free body diagram complete? Yes, sir. Chale. Can you find the stretch in this spring? Because आपको spring force की जरूरत पड़ेगी. Spring की stretch को मैं x से denote करता हूँ. ये कितनी होगी from its position जो कि आपको ये show की गई है? ये आपकी वो original position थी ना जब theta zero था. तो कितना एक स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया होगा आपके ख्याल में? तो 0.45. यार ये 0.45 कहां से आए? अच्छा नहीं सर, वो नहीं होगा, सॉरी सर. चलिए मैं दोनों पोजीशन यहां ड्रॉ कर देता हूं ताकि ज्यादा नहीं हुआ सर, कम ही हुआ. देखिए ये थीटा इक्वल टू जीरो वाली पोजीशन थी इसकी ब्रैकेट की, ये ब्लू से नजर आ रही है रेक को. ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है. तो यहां से यहां तक स्प्रिंग की स्ट्रेच कितनी है? साइन थीटा. ये थीटा आपको गिवन है 30 डिग्रीज, तो सर साइन थीटा आएगा. साइन थीटा आएगा किसके साथ? इस लेंथ के साथ, isn't it? Because yes sir. इस लेंथ yes, 0.6. तो ये चीज बन जाएगी 0.6 cos 30 और ये चीज बन जाएगी 0.6 sin 30, isn't it? समझ गए हर एक कि नहीं समझे? जी सर. ओके, सो इट मींस कि ये x कितना होगा? अभी जिस तरह आपने बताया, इट इज गोइंग टू बी 0.6 साइन ऑफ 30. जो कि इसको दोबारा बता दें. अच्छा, इसको दोबारा बता देते हैं. देखिए आपको पोजीशन जो ओरिजिनल फिगर विजिबल है, येलो से मैंने एक पोजीशन ड्रॉ की है जो कि स्प्रिंग की अनस्ट्रेच पोजीशन को रिप्रेजेंट करे. जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच होगा तो ब्रैकेट वर्टिकल होगा, थीटा जीरो है, ठीक है. यस सर. उसके बाद आप एक अदद फोर्स अप्लाई करते हैं और ये ब्रैकेट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेता है व्हेन दिस थीटा इज 30 डिग्रीज. यस सर. तो
स्प्रिंग की स्ट्रेच कितनी होगी, ये लेंथ आपको गिवन है विच इज 0.6, थीटा आपको गिवन है, तो आप ये स्प्रिंग में जो स्ट्रेच है ये निकाल सकते हैं, इट इज बेसिकली 0.6 साइन ऑफ 30. आप क्लियर हुआ कुछ? यस सर. ओके, स्प्रिंग फोर्स क्या होती है सर? के एक्स के तो अननोन है, लेकिन एक्स हमने फाइंड कर लिया है, तो क्या मैं इसको 0.3 के तौर पे लिख सकता हूँ स्प्रिंग फोर्स को? यस सर, लिख सकते हैं. चलिए, अब मुझे जरा एक बात बताएं कि किस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लूंगा. जरा मैं फ्री बॉडी डायग्राम को क्लियर कट बना लेता हूं ताकि आपके लिए मोमेंट लेना आसान हो जाए. मेरे पास ये दो बिल्कुल ही पॉइंट है कि नहीं सर, हम ना वो सी के इर्द-गिर्द ना ले के फाइंड नहीं करना पड़ेगा हमें. देखिए, के ही तो हमें फाइंड करने हैं, हम के से किस हद तक बच सकते हैं, वी हैव टू डिटरमाइन के. फिर एक सर एक एक गेद ले लेंगे, एक एक अलोंग लेने से पॉजिटिव समेशन एम ए, एक अलोंग लेने से फायदा क्या होगा सर? वो ए एक्स ए वाई दोनों जीरो हो जाएंगे. ए एक्स ए वाई दोनों जीरो हो गई. ओके, तो ए के अलोंग मोमेंट एक तो स्प्रिंग फोर्स बना रही होगी, इसका मोमेंट आर्म कितना बनेगा सर? 0.6 cos ने सर cos 30 आई थिंक. जी, सो स्प्रिंग फोर्स जो मोमेंट बनाएगी वो 0.6 cos 30 मोमेंट आर्म होगा. क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज से मैंने पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, व्हाट अबाउट द मोमेंट ड्यू टू फोर्स एफ? ये कितनी मोमेंट बनाएगी? मोमेंट आर्म क्या होगा एफ का? सो ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जो ए से बी का होगा, ये मोमेंट आर्म होगा जो मैंने ब्लैक से बनाया. आई होप ये रिको विजिबल है. ए बी, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, दिस वन एंड दिस वन. ये डिस्टेंस कितना है? जीरो पॉइंट सिक्स साइन थर्टी जो पहला डिस्टेंस है. आप चाहे तो यूज कर सकते हैं अगर आप उसको नहीं, पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे इस्तेमाल करेंगे सर? 0.45 0.6 तो दोनों का ऐड कर देंगे और आपको क्या डिस्टेंस मिलेगा? वो तो ए भी मिल जाएगा. इज इट परपेंडिकुलर डिस्टेंस? है नहीं सर, परपेंडिकुलर है नहीं. ये देखो, आप तो जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हो वो ये वाला डिस्टेंस नहीं है. ठीक सर, ठीक. मुझे ये डिस्टेंस तो नहीं चाहिए, मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस जो कि मैंने अभी निकाला है 0.6 साइन 30 प्लस ये वाला डिस्टेंस, इजंट इट? ये कितना होगा सर? ए सी बी जो 90 डिग्री है. जी बिल्कुल, ए बी ए सी बी 90 डिग्री, फिर वो 30 हो जाएगा बी बी का एंगल. देखिए, ये 30 है तो ये 60 हो गया, अकॉर्डिंगली ये आपको 30 मिल जाएगा. ऐसे ही है? यस सर. तो फिर 0.45 cos 30 हो जाएगा. 0.45 cos 30 हो जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो टोटल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ का क्या बना? 0.6 sin 30 प्लस 0.45 cos of 30. Is it clear to all of you? Jesus. Clockwise, counterclockwise? Clockwise.
clockwise. So I'm going to include it with a negative sign. Unknown kya hai yahan is puri equation mein? Spring force. Spring force jo ke 0.3 k ke barabar hai. So once you solve it, the value of k would comes out to be 1.327 kilonewton per meter. Is this point clear to all of you? Yes. So once you have found that spring force, फिर तो आपके पास conventional equations fx और fy apply करेंगे and you can get the values of ax and ay accordingly. So I hope के इसमें सारी कहानी जो थी वो एक ये स्प्रिंग की स्ट्रेच को समझने की थी कि स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन और अनस्ट्रेच पोजीशन में कितना एक डिफॉर्म हुआ हुआ है, और दूसरा आपने मोमेंट की इक्वेशन जब अप्लाई करनी है तो ये वाला जो डिस्टेंस है एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये किस तरह जो है वो डिटरमिन करना है. ये दो चीजें अगर समझ आ जाएं तो ये प्रॉब्लम जो है वो आराम से हल हो जाते हैं. सर इसे हम 3/4 मेंबर से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास तीन फोर्सेज आ रही हैं. ऑल दीज थ्री फोर्सेज शुड बी कंकरेंट. इट मीन्स कि अगर एक फोर्स इस तरह आ रही है, एक इस तरह आ रही है, तो आपकी ये वाली फोर्स भी इसी पॉइंट में से पास होनी चाहिए. तो आप थ्री फोर्स के तौर पर भी कर सकते हैं. ठीक है, एनी अदर थिंग जो कि आप पूछना चाहें? शैल वी मूव ऑन टू द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक, ताकि कल की क्लास में फिर हम स्टार्ट कर दें थ्री डायमेंशन का इक्विलिब्रियम. जी सर. चलिए, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आखिरी ये दो प्रॉब्लम्स थे ना, पिछला वाला और ये वाला, ये दोनों काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे. तो अगर आप ये समझ लेते हैं तो उम्मीद है फिर आप तमाम प्रॉब्लम्स आराम से समझ के जो है वो कर सकते हैं. कोई इशू आपको आना नहीं चाहिए किसी भी प्रॉब्लम में. ओके, आपको एक अदद बेल क्रैंक लिवर जो है वो शो किया गया, विच इज दिस BAD. दिस इज अ बेल क्रैंक लिवर. सो इफ स्प्रिंग BC इज अनस्ट्रेच व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 degrees, इट मीन्स के जब ये बेल क्रैंक लिवर इस पोजीशन पे है तो थीटा 0 होता है और ये स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच है. आप करते क्या है कि एक अदद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑफ मैग्नीट्यूड F परपेंडिकुलर टू दिस बेल क्रैंक लिवर AD. मैं सवाल दोबारा पढ़ लेता हूँ ताकि आप पहले सवाल समझ लें. इफ द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 degrees एंड द बेल क्रैंक अचीव्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 15 degrees, वी नीड टू डिटर्मिन द फोर्स F अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट AD एंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पिन जॉइंट एट A. स्प्रिंग रिमेन्स इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन एट ऑल टाइम्स ड्यू टू द रोलर. वही बात है कि स्प्रिंग जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल रहते हैं. इट मीन्स कि आपके पास जो स्प्रिंग फोर्स आएगी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल आएगी. सबसे पहली बात, उसी तरह क्या किसी तरह आप स्प्रिंग की स्ट्रेच डिटर्मिन कर सकते हैं? Is there any method possible जिसकी मदद से आप स्प्रिंग की स्ट्रेच डिटर्मिन कर सकें? Anyone volunteer जो बताना चाहे? सर ये जो एंगल है ये 150 है जो, तो सर इसमें 30 ऐड होगा ना, क्योंकि ये अगर वो प्रॉपर सर्कल अगर बने. जस्ट अ मिनट, एक मिनट यहीं रुके. अगर ये स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच होगा तो जो बेल क्रैंक लिवर की पोजीशन है वो कुछ इस तरह की बन रही है कि आपके पास ये एंगल तो 150 है और ये एंगल जिस तरह भी आप में से एक ने जिक्र किया ये एंगल 30 आ जाता है. ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई है. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच है और आपके पास जो बेल क्रैंक लिवर है वो इस पोजिशन पर लाई करता है. जी, अब आगे बताएं आप क्या बताना चाह रहे थे. आपने किया क्या कि एक अदद फोर्स अप्लाई की जिसके नतीजे में थोड़ा सा सुन लें. आपने एक अदद फोर्स अप्लाई की जिसके नतीजे में ये लिवर थीटा इक्वल टू 15 डिग्रीज पे रोटेट कर गया और इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो गई, जिसके बाद आपकी ये रेड पोजीशन अचीव हो गई है बेल क्रैंक लिवर की. ऐसे ही है ये एंगल तो yes, फिर भी मत. तो स्ट्रेच कितनी हुई एक तरह से, ये एक्स की वैल्यू होगी ना,
जितना स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से। यस सर, यहाँ तक ये फिगर हर एक को क्लियर है। ब्लू और रेड पोजीशन जो दोनों शो की गई है, ब्लू पोजीशन इज बेसिकली व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच, रेड पोजीशन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। नाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? सर 300 मिलीमीटर इनटू कॉस 15। ये पॉइंट ए बी और ए बी डैश, ए बी की लेंथ कितनी है? 0.3 मीटर, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, ब्लू वाली पोजीशन पे तो मुझे एंगल पता है, ए बी 30 डिग्रीज बना रहा है। व्हाट अबाउट द एंगल व्हिच दिस रेड पोजीशन इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस? ये एंगल कितना होगा सर? ये 15 जो आएगी वो आपके पास आएगी 0.3 cos 30 माइनस 0.3 cos 45, isn't it? तो आपको एक तरह से ये स्ट्रेच मिल जाएगी। ये फिगर मैंने यहां दोबारा और से बना दिया, इसको एक नजर और से देखें। आपके पास जो स्ट्रेच है जिसको हम एक्स कह रहे हैं, इट इज बेसिकली 0.3 cos 30 जो कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ है, माइनस 0.3 cos 45। सो बेसिकली ये जो चीज है ये आपको x मिल जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, क्लियर है। ठीक है, सो वंस यू हैव गॉट दैट x, यू कैन फाइंड आउट द स्प्रिंग फोर्स एज के एक्स। के की वैल्यू आपको गिवन है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, सो आपके पास स्प्रिंग फोर्स 95.4 न्यूटन आ जाएगी। नाउ ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, ए एक्स, ए वाई, स्प्रिंग फोर्स। आपके पास तीन इक्वेशन हैं, समेशन एम, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई। तीनों अननोन्स जो है वो आप डिटर्मिन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कन्वेंशनल सेट ऑफ इक्वेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगेन सारा खेल जो है वो इस x को समझने का था। वंस यू हैव डिटरमिन दिस x, उसके बाद तो आपने कन्वेंशनल इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जिसमें आप मोमेंट लेते हैं पॉइंट a के अबाउट और fx और fy के अलोंग जो है वो आप फोर्स समेशन ले रहे होते हैं। काइंडली कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो अभी पूछ सकते हैं। सर थीटा 15 कैसे आया था? थीटा 15 कैसे आया? ये वाले थीटा की बात कर रहे हैं? देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जब ये थीटा 15 होता है तो ये बेल क्रैंक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेता है। तो हमने तो सारी एनालिसिस इक्विलिब्रियम पे करनी है ना, तो इसलिए हमने इसको ये थीटा जो है वो 15, यानी आप इस लिवर पे फोर्स अप्लाई करके थीटा अगर 15 करते हैं तो ये एक ही रिजिड बॉडी है ना। अगर ये 15 ये वाली चीज मूव होगी तो ये वाली चीज भी तो 15 ही मूव होगी। ठीक है, जी समझ आ गए? एनी अदर क्वेश्चन? चलें, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट। ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। जैसा मैंने शुरू में कहा था आपको, इस टॉपिक से रेलेवेंट मैंने दो मुश्किल प्रॉब्लम्स जो है वो एक्सरसाइज के करवा दिए थे। बाकी प्रॉब्लम्स हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक या दो प्रॉब्लम या तीन प्रॉब्लम असाइनमेंट के तौर पे आपको कल तक मिल जाएं, जो कि सबमिट कराने होंगे बाय संडे। और नेक्स्ट वीक इसी टॉपिक से जो कि इक्विलिब्रियम इन टू डायमेंशन है उससे आपका क्विज नंबर 1 भी कंडक्ट किया जाएगा ऑन LMS। तो आपके CR से मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी LMS का एनरोलमेंट कोड, तमाम लोग अपने आप को LMS पे एनरोल कर दें ताकि क्विज में इशू ना आए आपको। क्विज का टाइम क्या होगा, डेट क्या होगी, मैं आपके CR को कल या परसों तक जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि नेक्स्ट वीक अगर कोई मंडे या ट्यूसडे को होता है तो आपकी तैयारी पूरी हो। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज लेक्चर और साथ साथ में आपकी अटेंडेंस शीट डाउनलोड कर लेता हूँ।